नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। अंग्रेजों के जमाने में देश को भारत छोड़ो का नारा मिला था। अगर आज के जमाने में हमें भारत छोड़ो आंदोलन फिर से शुरू करना हो तो धर्म और जाति पर आधारित राजनीति करने वालों को सबसे पहले भारत छोड़ना चाहिए। दुख की बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोगों ने शहीदों को भी अलग अलग धर्मों और जातियों की लकीर से बांट दिया। आज हम धर्म और जाति की इन्हीं लकीरों को मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शहीदों का सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो है देशभक्ति। पिछले दो दिनों से हम आपको लगातार अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। कल हमने आपके लिए काला पानी के काले सच का डीएनए टेस्ट किया था और आज हम आपको अंडमान निकोबार के उस हिस्से में लेकर चलेंगे जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ये पृथ्वी का नरक है। इस जगह का नाम है वाइपर आइलैंड। इस द्वीप में कैदियों को एक साथ एक लंबी जंजीर में जकड़कर रखा जाता था और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। इन सभी कैदियों में कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था और कोई सिख था, लेकिन ये सभी लोग भारतीयता के सूत्र में बंधे हुए थे। ऐसे कैदियों की कई अनसुनी कहानियां हैं और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है शेर अली अफरीदी की। इस कहानी को देखकर आपके मन में देश प्रेम की तेज हवाएं चलने लगेंगी। ये विश्लेषण उन लोगों की आंखें खोल देगा जो भारत के देशभक्त मुसलमानों की राष्ट्रवादी सोच पर सवाल खड़े करते हैं और मुसलमानों से उनकी देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। क्या आप 20,000 फुट की ऊंचाई पर सिर्फ 24 घंटे के लिए खड़े रह सकते हैं? इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है और तापमान कई बार -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में शरीर के साथ साथ विचार भी सुन्न हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश के जवान इन हालात में कई कई महीनों तक रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का सच है। आज हम आपको सियाचिन लेकर चलेंगे। हमारी टीम ने वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है ताकि आपको ये पता चल सके कि भारत के वीर जवान अपने अंदर फौलाद जैसा हौसला कहां से लाते हैं और उनकी ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है। हमें उम्मीद है कि अगस्त के क्रांतिकारी महीने में ये गिफ्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज हम आपको सीरिया की उन महिलाओं से भी मिलवाएंगे जो रक्का में आईएसआईएस के आतंकवादियों से लड़ने के लिए मोर्चे पर तैनात होने वाली है। रक्का के 50% से ज्यादा इलाके पर सीरिया की सेना का कब्जा हो चुका है और अब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की महिलाएं आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चे पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो इस बात पर जश्न मना रही है कि उन्हें खुद आतंकवादियों को सजा देने का मौका मिलेगा। ये महिलाओं की निडरता, हिम्मत और मुश्किल ट्रेनिंग का एक शानदार उदाहरण है और इसकी तस्वीरें आज आपको जरूर देखनी चाहिए और भारत की महिलाओं को भी वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। डोकलाम में चीन के साथ तनातनी के बीच आज रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Our defense forces have adequate equipment to face any eventuality. Nobody should have any doubt about the availability of equipment or the preparedness of our forces. वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भूटान के विदेश मंत्री दामचो दोर्जी से मुलाकात की। दोनों देशों ने डोकलाम विवाद के शांतिपूर्ण हल पर जोर दिया। We hope that the situation in Doklam will be resolved peacefully. वहीं चीन ने एक बार फिर डोकलाम को लेकर धमकी दी है। चीन के अखबार पीपल्स डेली ने लिखा, अपनी सेना नहीं हटाकर भारत आग से खेल रहा है। आप किस चैनल से सर? रॉयटर्स। यूपी सरकार ने राज्य के मदरसों को 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाने और तिरंगा फहराने के निर्देश दिए हैं। मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से जारी निर्देश में मदरसों को स्वतंत्रता दिवस की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के लिए भी कहा गया है। मदरसों में जो बच्चे हैं, जो कभी कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पाते हैं, वो अपने यहाँ कोई प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम को यहाँ पर अगर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग या कैमरे से वहाँ से शूट होकर आएगी और सरकार उसको रिव्यू करेगी तो उनको प्रोत्साहन देगी। एमपी सरकार ने भी मदरसों को राष्ट्रगान गाने और तिरंगा फहराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की रिकॉर्डिंग और तस्वीरें मदरसा बोर्ड को भेजी जाए। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष ने यूपी और एमपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। जितने भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पूरे स्टेट भर में हैं, वहाँ पर भी अगर आप वीडियो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा रहे हैं तो मदरसों में भी हम उसका खैर मकदम करेंगे।
लेकिन अगर ये सर्कुलर सिर्फ मदरसों तक महदूद है तो इस बात की वजाहत होनी चाहिए। जो है उत्तर प्रदेश सरकार का एक सामाजिक तौर पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है, धमकाने का काम कर रही है। वहीं मुंबई में बीएमसी ने अपने सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बीएमसी के स्कूलों में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई 5 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने केस से जुड़े 9000 पेज के हाईकोर्ट के फैसले और 3000 से ज्यादा पेज के अन्य दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद 12 हफ्ते में पूरा करने को कहा है। केस से संबंधित ये दस्तावेज हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत समेत 8 भाषाओं में हैं। कोर्ट ने ये कहा कि 5 दिसंबर को इस मुद्दे की पूरी सुनवाई और फाइनल हियरिंग होगी और कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि उस दौरान जितनी भी प्लीडिंग्स हैं और जहां पे भी सर्विस कंप्लीट नहीं है वो सब कंप्लीट किया जाएगा। पहला जो मेरा उद्देश्य था वो था कि कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाए। इन्होंने ट्रांसलेशन ये वो दुनिया भर की ऑब्जेक्शन रेज करके डिले करने की कोशिश की, परंतु अंत में 5 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अनुवाद के लिए तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इस प्रकार से रास्ते बन रहे हैं कि जल्दी चाहे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर, चाहे सहमति के आधार पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज आर्टिकल 35A के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 35A की समीक्षा के खिलाफ हैं। महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करे। पीएम से मुलाकात के बाद महबूबा ने पीएम के रुख को सकारात्मक बताया। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो उनको लगता है हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ने जा रहा है, तो ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत पॉजिटिव था। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान से ये धारा हटाए जाने पर कश्मीर में तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं वेंकैया नायडू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि वेंकैया नायडू ने देश के 13वें उपराष्ट्रपति के तौर पर अपना पद संभाल लिया है। आज सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। नायडू ने शपथ लेने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वेंकैया नायडू संसद भवन पहुंचे और उन्होंने राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्यभार संभाला। इस मौके पर पीएम मोदी ने वेंकैया के योगदान का जिक्र किया। आदरणीय श्री वेंकैया जी नायडू देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। मैं समझता हूं शायद वो अकेले ऐसे हैं जो इतने सालों तक इसी परिसर में, इन्हीं सबके बीच में पले हैं, बड़े हैं। पहलाज नहलानी को सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। पहलाज नहलानी की जगह प्रसून जोशी को सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नहलानी को जनवरी 2015 में अध्यक्ष बनाया गया था। 2.5 साल का उनका ये कार्यकाल विवादों से भरा रहा। फिल्मों में लगातार काट छाट करने की वजह से उनके फैसलों की काफी आलोचना भी हुई। शरद यादव पर जेडीयू 19 तारीख को कड़ा फैसला ले सकती है। सांसद अली अनवर को पार्टी ने आज ही संसदीय दल से सस्पेंड कर दिया। अली अनवर पर यह कार्रवाई कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने पर हुई। अनवर राज्यसभा में जेडीयू के उपनेता हैं। श्री अली अनवर को जनता दल यू की पार्लियामेंट्री पार्टी की सदस्यता से सस्पेंड किया जाता है। जनता दल यू पहले ही यूपीए 2 से बाहर आ चुका है और एनडीए के साथ है, लिहाजा उनका ये कार्य पार्टी विरोधी रहा है। विपक्षी दलों की बैठक सरकार को घेरने का नया प्लान बनाने के लिए बुलाई गई थी। बैठक में एनसीपी भी शामिल नहीं हुई। उनसे उन सेशन और विंटर सेशन के बीच में बड़ा गैप होता है। ये तय हुआ कि एक ग्रुप बनाया जाए और वो ग्रुप सभी नेताओं से, सभी दलों के नेताओं से कोऑर्डिनेट करेगा।
विपक्षी एकता के नाम पर इस बैठक में लालू यादव पर असमंजस भी दिखा। बैठक में ये तय नहीं हो सका कि सारी पार्टियां रैली में लालू के मंच पर जाएंगी या नहीं। बिहार में महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से पहली मुलाकात की। नीतीश कुमार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिले। हमने प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात की है और अगस्त महीने के आखिर में हम यहां पर आएंगे, उसमें सारी बातें विकास संबंधी बिहार की जरूरतों के बारे में उसी में चर्चा होगी। बिहार में शरद यादव के बागी तेवरों पर नीतीश ने कहा कि शरद यादव अपना कोई भी रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक पार्टी का प्रश्न है, पार्टी ने अपना निर्णय लिया है और जो कुछ भी निर्णय हमने लिया है कोई अपनी मर्जी से नहीं लिया है।